हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है सप्तमी और जैसा कि आपने फर्स्ट नवरात्रि का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा, हम लोगों ने पूरे नवरात्रि नहीं रखे हैं। फर्स्ट और लास्ट मतलब पहला और सातम का रखा था, तो वही आज है सप्तमी। तो आज है हम सब का व्रत। मैं आ गई हूँ पूजा वूजा करने। अभी मेरी हुई है डेली की पूजा कंप्लीट, और अभी जब लड्डू गोपाल की पूजा हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे माता की पूजा। ये अभी आ रहे हैं, जब ये आ जाएंगे तो फिर हम करेंगे हमारी नवरात्रि की पूजा। तो चलिए करते हैं। यहाँ मैंने माता को लगा दिया, मतलब नहला दिया था, और अभी लगा दिया है वस्त्र के तौर पर, पहना दिए हैं मौली, और अभी मैं लगा रही हूँ टीका। तो और जूतों तो वगैरह मैंने बना के रख दी है, बस अभी इनके आने का वेट कर रही हूँ। तो फिर मिलके करेंगे साथ में पूजा। उसके पिता को पुत्री की ऐसी अगर देखकर क्रोध उठाया और पुत्री से कहने लगे कि ये ये जो पुत्रिया तो बात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, कारण मैं कभी पृष्ठी और पुत्रित्र को मनुष्य के साथ रहूंगा, पर मत होगा सब पिता का वचन सुनो से भी पूरा दुख और कष्ट कहने लगे। हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं इस तरह से आपके अधीन हो जाकर आपकी इच्छा मेरे विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही तुम्हारे भाग में लिखा मैं तो बहुत इस पर पूर्ण विश्वास है, मनुष्य लगाने के तुम लोगों का पितृ पक्ष होता वही है बात में बताता प्रेम सहित गावे कह सचिवान स्वामी सह सी स्वामी सुख संपति पावे जय जय गोरी जय 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 जय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है सप्तमी, मतलब लास्ट व्रत है आज, क्योंकि हम लोगों ने पहला और आष्टमी किया था, तो हमारे यहाँ होती है अष्टमी, तो इसलिए हमारे यहाँ आज है सप्तमी का व्रत। पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, बस अभी थोड़ा बहुत मतलब फ्रूट वगैरह दूंगी, क्योंकि प्रेयसी का भी व्रत है ना, तो बच्चों को नहीं रखते हैं। माही का भी है, पर तुम्हारा तो 12 बजे से स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, व्रत में भी ऑप्शन आ गए हैं आजकल, आप मॉर्निंग से शुरू नहीं कर सकते हो,
तो आप दिन में 12 बजे से भी कर सकते हो। ये ऑप्शन माही ने निकाला है। सुबह से लेके 12 बजे तक आपका जो मन करे खा लो, और उसके बाद 12 बजे से अपना व्रत चालू कर दो पूरा खा पी के। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, ये स्पेशली माही ने निकाला है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये। तो चलिए, व्रत है आज, व्रत वाले दिन तानी अजीब ही अलग ही खुशी होती है पूरे घर में ना, अच्छा मूड रहता है सारे टाइम। तो आज हम करेंगे अपना व्रत कंप्लीट, और सुबह होंगे हमारे कंजक कन्या पूजन हम सुबह करा देंगे। तो चलिए, अभी दिन में क्या होगा, क्या करते हैं हम, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो शायद बुक्स लेने जाना है बच्चों की, उसके बाद फिर कल की तैयारी शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा बर्थडे, आप लोगों में से किन किन बच्चों ने व्रत रखा होगा कमेंट में बताओ। मैंने तो पहला वाला और लास्ट वाला किया है। ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, मतलब आलू फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि परी भी व्रत है, इनका भी व्रत है। तो ये मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन बिना नमक के रहना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ये देखिए फ्रेंड्स, लल्लू आपका व्रत हुआ स्टार्ट 12 बजे। कुछ कहना चाहोगे इस व्रत के बारे में आप? क्यों? सात बजे, 12 से 7। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका व्रत है जो 12 से 7 है, क्योंकि 12 बजे ऑब्वियसली खाना स्टार्ट हुआ है व्रत का। तो अभी ये हमारे साथ, मतलब इसका व्रत जब तक खाना खाने की जो टाइमिंग है ना, सिर्फ उस पे इसका व्रत है, अदरवाइज इसका कोई व्रत नहीं है इसका व्रत। और आपका? मेरा तो पूरा। चलो खा लो आप, ठीक है। अभी हम निकल रहे हैं स्कूल, और हमारे साथ वाना भी जा रही है अपना फ्यूचर स्कूल देखने। पसंद करने जा रही है, अच्छे से पसंद करने जा रही है। वैसे ये पहले भी जा चुकी है, पर पूरे टीचर्स ने इसको गोदी में खिलाया था, कई सारी टीचर्स ने। तो चलिए मिलते हैं आगे। अभी हम निकल रहे हैं, आगे जाके हम लेने वाले हैं रिक्शा। वानू का एडमिशन सोचेंगे हम आज ही करा देंगे, है ना वानू? मतलब पहला एडमिशन होगा ये, 4 मंथ के बच्चे का एडमिशन हो जाएगा इसको। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ले लिया है रिक्शा और हम लोग चल दिए हैं। वानू के एक्सप्रेशन देखिए, इसका फर्स्ट टाइम है रिक्शे में, चारों तरफ देखे जा रही है ये। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं इसके स्कूल, और यहाँ पे देखिए इनकी बस काफ़ी सारे ऐसे लाइन से लगी हुई है, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं तो बंद है, काम तो सारी बस लाइन से खड़ी हुई है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ले रहे हैं बुक्स, और वही है क्योंकि बुक्स सेट हम जब लेते हैं तो हमें थोड़ा सा करना पड़ता है क्रॉस चेक कि कोई पीस, मतलब कोई भी बुक मिसिंग। अभी हम वापस घर के लिए निकल गए। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं घर। मैंने नॉक किया है, मैंने अभी वैल बजाई है, देखते हैं फिर कौन उधर के आता है नीचे दरवाज़ा खोलने। आई थिंक परी ही आएगी, क्योंकि दोनों में से ही कोई आएगी, क्योंकि दोनों एक्साइटेड हैं अपनी न्यू बुक्स के लिए।
तो अभी देखते हैं कौन आता है। बस जस्ट आ ही गया। ओफो, ये देखिए फ्रेंड्स, नंदनी आई है गेट खोलने के लिए। वो सो गई थी रास्ते में, तो अभी मैंने उसको सुला दिया है। और अभी देखते हैं बाहर बच्चों के कैसे रिएक्शन है अपना बुक सेट देख के। देखना बहुत ज़्यादा कि न जाने कितनी पढ़ाई करके दिखाएंगे। तो क्या हो गया बेटा? ये देखिए फ्रेंड्स, आज का खाना मम्मी के हाथ का है, व्रत का। क्या बना रहे हो? पुट्टू की पूरी और आलू की सब्जी। हाँ, ये बन चुकी है। दही का रायता और साबूदाने की खीर। ये बन चुका है रायता और ये है खीर। अभी इधर बन रही है। ये जिनका व्रत नहीं है उसके लिए आटा लगा के रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, व्रत का खाना बन चुका है और ये मैं पहली थाली लेके जा रही हूँ कहाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। कैसा बना है? बाहर खड़े हैं। चम्मच कैसा लगा? बताओ ना कैसा है खाना? अच्छा, चम्मच है। आज है स्पेशल थाली, वो भी मम्मी के हाथ की व्रत वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कन्या पूजन की तैयारी। ये हम लोग लेके आए हैं प्लेट्स कन्याओं के लिए और ये है हेयर बैंड्स। कितने प्यारे हैं, मल्टी कलर में हैं ये। तो और एक और गिफ्ट है, ये देखिए। ये दूसरा गिफ्ट ये है, पर्स। मीन्स टोटल तीन तीन गिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमारी कन्याएं काफ़ी खुश हो जाएंगी। आप लोगों की तैयारी हो चुकी है तो बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं रात के 10 और मंदिर के पास और करेंगे थोड़ी देर कीर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। Thank you.
अभी बज गए हैं 11 और हम जाने लगे हैं अब सोने के लिए। आज का दिन थोड़ा था, मतलब थकान भरा था। सुबह बच्चों की मॉर्निंग में वही सुबह तो पूजा हुई थी और बच्चों की बुक्स वगैरह लेके आई थी स्कूल से, और फिर अभी शाम को फिर से जाना पड़ा मार्केट कंजकों के लिए जो भी गिफ्ट वगैरह लेके आने थे, तो वो सब ला चुकी हूँ। अभी बस अब कन्याओं का इंतज़ार है सुबह, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, चुन्नियाँ वगैरह सब ले आए हैं, तो बस सभी कंजक आने का इंतज़ार है। सुबह उठेंगे जल्दी, और सुबह मैं उठने वाली हूँ 5 बजे, बस अलार्म बज जाए और मुझे सुन जाए नहीं तो लेट हो जाऊँगी। और क्या है, क्या हुआ बोलो, हाँ क्या हुआ, कुछ बोलना है आपको, आओ। तो गाइस मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? हाँ कंजक इनका तो दिन है कल, तो बच्चे हैं बहुत एक्साइटेड, अलग अलग चीजें मिलेंगी, और ये जाएंगे कल नानी के घर भी जाने वाले हैं ये कंजक पे। और गाइस आपको पता है कि हम रिटर्न में क्या देंगे? हैरी बैग्स एंड पर्स। किसमें दोगे? रिटर्न। वो रिटर्न नहीं होता बेटा, वो ओनली गिफ्ट होता है, रिटर्न गिफ्ट बर्थडे पे होते हैं। कल तो कंजक है, और दूसरे दिन फिर हम नानी के यहाँ कंजक जमाएंगे। और ये फिर कल परसों, कल ये जाएंगे नानी के यहाँ पे कंजक करके, और परसों फिर ये नानी के यहाँ जिमेंगे कंजक। तो देखते हैं नानी इनके लिए क्या लेके आने वाली है। वैसे तो बैग लेके आनी होगी, क्योंकि नहीं बैग मना करेंगे अब हम। क्या करोगे, बैग बहुत है आपके पास। और नानी ने इनकी तैयारी तो कर ली है, माही के फेवरेट मैंगोज ला के रख दिए हैं, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी भी ला के रख दिया है, जो और जो काजू कतली जो बच्चों को पसंद है वो सामान वो ला चुके हैं। तो बस ये जाएंगे और टूटेंगे। yes! तो हम भी आपको, हम कल आपको अपनी नानी से मिलवाएंगे, पूरे सब से मिलाएंगे, मामा नाना सब से। इसको अपने नानी के हाथ का। फ्रेंड्स टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, तो ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बाय।